Good morning, students. You are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic of chapter Digestive System of Human. इसके अंदर जो है अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं and that new topic is large intestine. Large intestine के बारे में पढ़ने वाले हैं. Large intestine जो है इसकी length जो है लगभग 1.5 meter होती है और this is always greater in diameter. इसका diameter जो है हमेशा small intestine से ज़्यादा होता है. Otherwise length के अंदर तो ये हमेशा जो है small intestine से छोटी होती है, लेकिन diameter ज़्यादा होने की वजह से जो है इसको अपन large intestine बोलते हैं. और small intestine जो है उसका जो है diameter कम होता है as comparable to the large intestine. Large intestine जो है इसका main function होता है to absorption of water and minerals. इसका main function होता है water और minerals को absorb करना. Large intestine जो है small intestine से जुड़ी हुई होती है. जहां पे large intestine small intestine के ileum से जुड़ती है वहां पे एक sphincter पाया जाता है. उस sphincter को अपन बोलते हैं ileocecal sphincter. That sphincter is known as ileocecal sphincter. Okay? और यहीं से जो है large intestine का पहला part start होता है और उस part को अपन बोलते हैं cecum. That part is known as cecum. Cecum के अंदर जो है एक finger like projection होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा. एक finger like projection होता है, इसको अपन बोलते हैं vermiform appendix. That finger like projection is known as vermiform appendix. This is non functional. ये जो है किसी भी कार्य के अंदर useful नहीं होता है या फिर इसका कोई useful यूज है नहीं बॉडी के अंदर. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन. और नेम है इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इट्स नेम इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दिस इज फाउंड इन द कैकम रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. That is colon. Colon is found between cecum and rectum. Colon को जो है further तीन part के अंदर divide कर रखा है. Number one is ascending colon. Number second is transverse colon. Transverse colon and number third is descending colon. Number third is descending colon. It means the colon is divided into three parts. और functions तो आपको पता ही है, absorbing water and minerals. इसके बाद में last part की बात करते हैं. That last part is rectum. इस rectum का function होता है to storage of waste material. ये जो है waste material को store करने का जो है काम करता है. और इसके जो है एंड के ऊपर एक स्पिंचर पाया जाता है. दैट इज अ मस्कुलर स्पिंचर एंड इट्स नेम इज एनस. वी कैन से एनस इज अ काइंड ऑफ स्पिंचर एंड दिस इज द ओपनिंग बाय विच वेस्ट मटेरियल इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी. फिर से एक बार देखते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाइडर होती है एज कंपेरेबल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज. अदरवाइज लेंथ के अंदर ये हमेशा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. और ये तीन पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, कैकम, कोलोन एंड रेक्टम. इसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. कोलोन जो है तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. कोलोन जो है फिर आगे जाकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलता है. दैट इज नोन एज रेक्टम. फंक्शन ऑफ रेक्टम इज स्टोरेज ऑफ वेस्ट और ओपनिंग ऑफ रेक्टम इज नोन एज एनस. इस तरीके से जो है अपना एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया है. इसके बाद फर्दर लेक्चर्स के अंदर जो है अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अपन पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड और इसके अलावा लीवर के बारे में देखने वाले हैं. होते क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होती है और फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ओके, थैंक यू.